लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। प्रभात तेरे पसीने की हर बूंद को बोधी तक चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना पूरा करके तेरा सिर से नहीं दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। प्रभात तेरे पसीने की हर बूंद को बोधी तक चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना पूरा करके तेरा सिर से नहीं दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। प्रभात तेरे पसीने की हर बूंद को बोधी तक चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना पूरा करके तेरा सिर से नहीं दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है तो आइए मंजिल को। आ जाओ माय डियर रसगुल्ला, आओ आओ फटाफट आओ। रोग की तबाही क्या बात है, आ जाओ रे जोशीले इंसान हो। चल भाई आगा जोड़ी करो, आगाज करो। स्टार्ट, ओके। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर। आप तैयार होंगे क्योंकि आज दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी एग्जाम हो इसके छपने की दोस्तों 100% गारंटी है, और वो टॉपिक है रोग, जिसमें दोस्तों आपके बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, आपके फंजाई है, कुछ आनुवंशिक रोग हैं, प्रोटीन विटामिन दोस्तों कार्बोहाइड्रेट बसा इनसे संबंधित रोग हैं। कुल मिलाकर दोस्तों आपके सामने एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 2-3 प्रश्न आपके सीधा-सीधा छपने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, एक तो तरीका होता है कि आप खुद डॉक्टर बनके रोग के बारे में अध्ययन करो कि इस रोग में कितनी हड्डियां टूटती हैं, कितना वायरस है दोस्तों, कौन इसका ये रोग है, इसकी बीमारी यह है, इसकी दवाई यह है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें यह पता होना कि इस रोग का दोस्तों रोग कारक कौन है और इस रोग का कोई टीका है या कोई खास विशेषता है तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो आइए दोस्तों, मैं आप सभी के सामने परीक्षा की तबाही का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें दोस्तों आपके सामने साइंस का रोग जो है वो मैं आपके सामने बताऊंगा। कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जरिए मैं इसे आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। 2 क्लास में लगभग दोस्तों 90 मिनट के अंदर
अंदर आपके सामने रोग के जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में छपने वाले हैं वो आपके सामने आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आप सभी को याद है कि ग्राम विकास अधिकारी और जो संगणक है उसका भी दोस्तों आज नोटिफिकेशन आ चुका है। देखिए वो मंजिल कहती है जब तेरे बस की बात नहीं, ये हौसला कहता है ए मंजिल सुन तेरी इतनी औकात नहीं, तुझे तो तेरी औकात दिखाएंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं साइंस रोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? आप यकीन मानिए सर्वाधिक पूछा जाने वाला पैटर्न है एग्जाम के अंदर दोस्तों कि कौन सा जो रोग है वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। रेबीज, चिकन पॉक्स, हैजा और डेंगू। मैं आपको एक ट्रिक लिखवा रहा हूं, उसे ध्यान रखना। आज की क्लास का एक नंबर जो छपने वाला है उसे नोट कीजिए। पहले वो ट्रिक देखिएगा, फिर दोस्तों आप क्वेश्चन के ऊपर आइए। देखना अगर आपसे पूछे कि दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाले रोग, तो पंडित का टिक न्यू है। क्या है? नोट करना, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। क्या? हां रसगुल्लो, इस पूरी लाइन को ऐसे की ऐसे याद करना है, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। होता क्या है दोस्तों, ये ट्रिक तो सबको याद है कि पंडित का टिक न्यू है, ये भूल जाते हैं कि ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है या ये दोस्तों आपके जीवाणु से होने वाला रोग है या फिर ये दोस्तों आपके किससे होने वाला रोग है या आपके फफूंद से होने वाला रोग है। इसीलिए ध्यान रखना बेटी रिया शब्द का उपयोग आपको करना है। देखिए पै का मतलब क्या है दोस्तों, इसका अर्थ है प्लेग। क्या है? इसका अर्थ प्लेग है। डी का अर्थ है दोस्तों डिप्थीरिया। क्या अर्थ है? डिप्थीरिया अर्थ है। ते का मतलब क्या है? इसका अर्थ है तपेदिक। क्या है दोस्तों? तपेदिक है। का अर्थ क्या है? तो का अर्थ ध्यान रखना दोस्तों, इसका अर्थ है काली खांसी। क्या है? काली खांसी है। इसके साथ में टी, इस टी का अर्थ लिखना दोस्तों, टी का अर्थ है एक तो टिटेनस। क्या है? एक तो टिटेनस हो गया। और एक ध्यान रखना दोस्तों टाइफाइड। क्या हो गया? टाइफाइड। इसके बाद में कह का अर्थ है दोस्तों, ध्यान रखना आप सभी, कुष्ठ रोग। क्या है? कुष्ठ रोग। इसके साथ में दोस्तों न्यू का अर्थ है निमोनिया। क्या है? निमोनिया। और है का अर्थ है दोस्तों हैजा। क्या है? है का अर्थ है हैजा। और ये सब की सब रोग किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। और ये दोस्तों आपका एक नंबर। क्या? ये केवल और केवल सीधा एक नंबर आपको दिलाएगा कि कौन कौन से रोग किससे होते हैं, बैक्टीरिया या जीवाणु से होते हैं। क्या? बैक्टीरिया, हिंदी में कहते हैं इसको जीवाणु। क्या बोलते हैं? जीवाणु। तो ध्यान रखना प्लेग, डिफ्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटेनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा, ये सब की सब किससे होते हैं? ये सब की सब दोस्तों ध्यान रखना आपके जीवाणु या फिर बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। कौन कौन से? प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा। अब आइए क्वेश्चन की तरफ। देखिए कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग है? रेबीज, चिकन पॉक्स, हैजा और डेंगू। मैंने आपसे कहा हैजा पंडित का टिक न्यू है। है का मतलब दोस्तों हैजा। तो ये जो हैजा है ये जीवाणु से होता है और जीवाणु का नाम लिखना बिब्रियो कैलोरी। कौन सा है? बिब्रियो कैलोरी दोस्तों इस जीवाणु से होता है। ध्यान रखिएगा कौन सा? ये हैजा रोग। हैजा रोग में दोस्तों क्या प्रभावित होता है? लिख लो, खतरनाक क्वेश्चन है। आंत या फिर पाचन तंत्र। लिखना हैजा में दोस्तों क्या प्रभावित होता है? आंत या फिर पाचन तंत्र। और जब भी दोस्तों डाइजेस्ट जो आपके आंत या पाचन तंत्र है ये प्रभावित होगा तो ध्यान रखिएगा इसमें दोस्तों दस्त और जो उल्टी है ये होने वाली है। क्या? दस्त या फिर उल्टी ये होने वाली है। आंत या पाचन तंत्र प्रभावित होता है, दस्त या उल्टी होती है। किसके अंदर दोस्तों? हैजा के अंदर। और लिख लेना बिब्रियो कैलोरी दोस्तों जीवाणु है। बाकी जब सबके सब जो है या रेबीज है, चिकन पॉक्स है, डेंगू है, ये सबके सब दोस्तों वायरस से होने वाले रोग है। क्या? रेबीज हो गया,
या चिकन पॉक्स हो गया, या फिर दोस्तों आपके क्या हो गया, या डेंगू हो गया, ये सब की सब किससे होते हैं? ये होते हैं दोस्तों वायरस या फिर विषाणु से। अभी हम आगे दोस्तों इनकी बात करने वाले, तो ध्यान रखना आंत प्रभावित होगी। विब्रियो कैलोरी जीवाणु है। और दोस्तों दस्त या उल्टी या सीधा क्वेश्चन पूछेगा कौन सा तंत्र प्रभावित होगा, पाचन तंत्र जो है प्रभावित होगा, डाइजेसिव सिस्टम जो है प्रभावित होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से असुमेलित है। बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, मतलब ये क्वेश्चन आपका विटामिन टॉपिक में भी आ सकता है, या फिर दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका रोग वाला जो टॉपिक है इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा असुमेलित है? रेटिनोल, थायमिन, फोलिक एसिड, कैल्सिफेरोल। इधर देखिए रंतोदी, बेरीबेरी, बांझपन। बांझपन का मतलब दोस्तों इनफर्टिलिटी। क्या? इनफर्टिलिटी, बांझपन, या दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया। रंतोदी का मतलब है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। अब देखिए पहली बात तो इनका आपको विटामिन नाम दोस्तों पता होना चाहिए। रेटिनोल जो है, क्या जो रेटिनोल है ये दोस्तों विटामिन ए है। क्या? विटामिन जो ए है इसे कहते हैं रेटिनोल। क्या बोलते हैं? रेटिनोल। और दोस्तों इससे कौन सा रोग होता है तो लिख लेना रंतोदी। कौन सा? इसकी कमी से रंतोदी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब दोस्तों रात में नहीं दिखना। वैसे रात में दोस्तों हमें भी नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना रात में बिल्कुल नहीं दिखना। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी वन, इसे कहते हैं दोस्तों थायमिन। क्या बोलते हैं? थायमिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग है? वो है दोस्तों बेरीबेरी। कौन सा है? बेरीबेरी। इसके बाद है दोस्तों विटामिन बी नाइन। ये बहुत बढ़िया सवाल एकदम आपसे पूछ ले। विटामिन बी नाइन को कहते हैं दोस्तों फोलिक एसिड। क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड कहते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा होता है? एनीमिया, या फिर दोस्तों रक्त की कमी। किसकी? जो रक्त की कमी है, एनीमिया। और दोस्तों विटामिन डी, इसे कहते हैं कैल्सिफेरोल। क्या बोलते हैं? कैल्सिफेरोल। और लिखना दोस्तों इसकी कमी से रोग होता है। अब देखिए आपने दोस्तों रोग सुना होगा रिकेट्स। कौन सा? रिकेट्स। लेकिन दोस्तों बच्चों में होता है रिकेट्स, और जो वयस्क होते हैं ना उनमें होता है दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया। तो ये सवाल बहुत खतरनाक है, मैं इसको पीछे लिख रहा हूं दोस्तों। अभी तक हमने क्या सुना है कि विटामिन डी जो है इसकी दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? कैल्सिफेरोल। क्या बोलते हैं? कैल्सिफेरोल। और हमने सुना है कि जो कैल्सिफेरोल है दोस्तों इसकी जो कमी है इससे रोग होता है रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स होता है। ये बच्चों में होता है। किसमें दोस्तों? बच्चों में। अगर आपसे पूछे वयस्क में कौन सा होता है तो लिखना दोस्तों इसमें होता है ऑस्टियोमलेशिया। क्या? ऑस्टियोमलेशिया। आपको हो गए इसका अर्थ क्या है? ऑस्टियो का अर्थ साइंस में, क्या ये जो ऑस्टियो वर्ड है ना इसका अर्थ दोस्तों साइंस में होता है हड्डी। क्या होता है? हड्डी। और इसका अर्थ होता है कमजोर होना। तो लिखना दोस्तों ऑस्टिया का अर्थ हो गया हड्डी, और मलेशिया का अर्थ हो गया कमजोर होना। तो अगर आपसे पूछे ऑस्टियो मलेशिया, इसका संबंध भी विटामिन डी से है, खतरनाक क्वेश्चन। क्या? खतरनाक क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कौन सा गलत है तो रेटिनोल देखिए ये दोस्तों सही है, रंतोदी, थायमिन बेरीबेरी, कैल्सी, फोलिक अम्ल दोस्तों बांझपन, ये गलत हो गया। फोलिक अम्ल का संबंध है एनीमिया। किससे? एनीमिया। अगर आपसे पूछे कैल्सिफेरोल, ऑस्टियोमलेशिया ठीक है। बांझपन किससे होता है? क्या जो बांझपन है दोस्तों इनफर्टिलिटी। क्या जो इनफर्टिलिटी है, या फिर दोस्तों आपसे पूछे जनन क्षमता में कमी। क्या? जनन क्षमता में जो कमी है ये होती है दोस्तों विटामिन ई। किससे होती है? विटामिन ई। इसे कहते हैं टोकोफेरोल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल भी इसे कहा जाता है। तो बांझपन या इनफर्टिलिटी या जनन क्षमता में कमी दोस्तों ये विटामिन ई से होती है, इसे कहते हैं टोकोफेरोल।
अगला क्वेश्चन देखिए, मरास्मस रोग का संबंध है पेपर के कॉमन प्रश्न है दोस्तों। दो रोग हैं, एक तो रोग है मरास्मस, कौन है, एक तो रोग है दोस्तों मरास्मस, और एक रोग है क्वासियोरकोर, कौन सा है, क्वासियोरकोर। तो अगर आपसे पूछ ले इन दोनों रोग का संबंध किससे है, तो इन दोनों रोग का संबंध है प्रोटीन से, किससे दोस्तों, प्रोटीन से संबंधित है दोनों। और अगर तुमसे पूछे प्रोटीन किसका बहुलक है, खतरनाक लिखना, अगर तुमसे पूछे प्रोटीन किसका बहुलक है तो छापना दोस्तों एमिनो एसिड, सीधा क्वेश्चन पूछेगा प्रोटीन किसका बहुलक है, एमिनो एसिड का दोस्तों पॉलीमर है, इसका बहुलक कौन है, यह है दोस्तों प्रोटीन। और एमिनो एसिड में क्या होता है, नाइट्रोजन, क्या इसमें होता है दोस्तों नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन। तो अगर तुमसे पूछे डायरेक्ट भी पूछ सकता है या दोस्तों इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है। प्रोटीन से संबंधित दो रोग हैं मरास्मस और क्वासियोरकोर, मांसपेशियों का ढीला होना, क्या जो मांसपेशियां हैं दोस्तों, जो मसल्स हैं, इन मसल्स का ढीला होना दोस्तों, ये ध्यान रखना ये रोग है मरास्मस और क्वासियोरकोर। तो किससे संबंधित है, प्रोटीन से संबंधित रोग है मरास्मस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस रोग को हैंसन रोग कहा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछे आपसे हैंसन डिजीज किस रोग को कहते हैं, तो लिखना दोस्तों हैंसन रोग कहते हैं कुष्ठ रोग, किसे कहते हैं कुष्ठ रोग, इसकी इंग्लिश जरूर ध्यान रखना लेप्रोसी, क्या लेप्रोसी, इंग्लिश जरूर ध्यान रखनी है हिंदी मीडियम वालों को, क्योंकि जब आपसे पूछेगा ना कि कुष्ठ रोग का जीवाणु कौन सा है, तो दोस्तों फिर इंग्लिश में काम आएगा लेप्री, क्या उसमें लिखा होगा दोस्तों लेप्री, तो लेप्री सही आंसर होगा कुष्ठ रोग का जीवाणु। तो लिखना दोस्तों कुष्ठ रोग, इसे लेप्रोसी कहते हैं, किसके द्वारा होती है, पंडित का टिक न्यू है, याद करो पंडित दोस्तों प्लेग डिप्थीरिया तपेदिक, पंडित का मतलब काली खांसी, टिक दोस्तों टिटनस टाइफाइड और कुष्ठ रोग, क्या कुष्ठ रोग। तो लिखना ये दोस्तों जीवाणु जनित बीमारी है, क्या जीवाणु जनित बीमारी है, और दोस्तों वहां पर देखना जिसके पीछे क्या लिखा हो, लेप्री लिखा हो ना, वही दोस्तों इसका जीवाणु है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो कुष्ठ रोग है इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, कोई भी रोग पढ़ो ना उससे प्रभावित क्या होगा वो जरूर पढ़ना दोस्तों, इसके अंदर ध्यान रखना तंत्रिका तंत्र और साथ में दोस्तों जो स्किन है ये प्रभावित होती है, इसीलिए जो भी स्किन जिसमें प्रभावित होती है ऐसा कहते हैं, उसमें दोस्तों छुआछूत जो है ना अपने आप घुस जाता है, जबकि इसमें कोई भी दोस्तों छुआछूत रोग नहीं है, फिर भी स्किन प्रभावित होती है ना इसलिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो कुष्ठ रोग है इसे ही दोस्तों दूसरा नाम क्या है, इसे कहते हैं हैंसन रोग, क्या बोलते हैं, हैंसन रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ये दोस्तों करेक्ट आंसर है, टिटेनस। अब देखिए सवाल सुनना, पहला ऑप्शन है टिटेनस, क्या दोस्तों टिटेनस, अगर आपसे पूछे नोट करके नोट कर लेना, ये जो टिटेनस है ये भी दोस्तों किससे होता है, ये भी जीवाणु से होता है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, क्या क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी जो है इस जीवाणु से होता है दोस्तों, ध्यान रखना टिटेनस, क्या इस जीवाणु से होता है टिटेनस। इसमें क्या प्रभावित होता है, इसमें दोस्तों ऐंठन आती है, जबड़ा बंद होता है, क्या जबड़ा बंद हो जाता है इसके अंदर दोस्तों, जबड़ा बंद या फिर शरीर में दोस्तों ऐंठन, क्या शरीर में ऐंठन, इसीलिए जबड़ा बंद रोग किसे कहते हैं, वो कहते हैं टिटेनस है। इंग्लिश में ध्यान रखना लोक जो, पेपर में सीधा लिखा आएगा लोक जो रोग किसे कहा जाता है,
जबड़ा बंद रोग किसे कहा जाता है? तो नोट करना दोस्तों, ये रोग है टिटेनस। इसी में शरीर की जो आकृति है धनुष के आकार की हो जाती है, इसीलिए दोस्तों इसको धनुष टंकार, कौन सा रोग है? धनुष टंकार रोग भी इसे कहा जाता है। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन होता किससे है? लोहे से कटने से नहीं दोस्तों, अगर पूछे आपसे जंग लगे लोहे के कटने से, नोट करना, ये दोस्तों होता है जो जंग लगा लोहा है, क्या जंग लगा दोस्तों जो लोहा है इसके लगने से दोस्तों ये रोग होता है। और इसका टीका क्या है? टीटी दोस्तों इसका टीका होता है। टिटनस ध्यान रखना, जबड़ा बंद, लोक जो, धनुष टंकार, या दोस्तों आपके जीवाणु जनित है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछे होता किससे, तो ये होता है जंग लगे हुए लोहे से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है रेबीज, कौन सा है दोस्तों? रेबीज। रेबीज को कहते हैं हाइड्रोफोबिया, लिख लो। फिर आपसे कह रहा हूं, ये पिता की फिक्र को फक्र में अगर बदलना है ना, थोड़ा सही दिशा में पसीना बहाओ, पेपर को देखो, उसके हिसाब से तैयारी आरंभ करो। ये देखो रेबीज, कौन सा रोग है? रेबीज। रेबीज को कहते हैं दोस्तों, ये किससे होता है? तो रेबीज होता है रेबडो वायरस, किससे होता है? रेबडो वायरस। अगर आपसे पूछे दोस्तों ये किसके काटने से? कुत्ते बिल्ली के काटने से होता है। और इसमें किससे डर लगता है? पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया, क्या? हाइड्रोफोबिया दोस्तों इस रोग को कहा जाता है। अच्छे से नोट करना, इस रोग को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फोबिया का अर्थ होता है डर, क्या? डर। जैसे दोस्तों पत्नी से डर लगना, तो पत्नी फोबिया, क्या? पत्नी फोबिया। जैसे दोस्तों चप्पल से डर लगना, चप्पल फोबिया। सोना बाबू से डर लगना, सोना बाबू फोबिया, है ना? तो पानी से जो डर लगता है उसे कहते हैं दोस्तों हाइड्रोफोबिया। अगर आपसे पूछे किससे होता है? रेबडो वायरस से होता है। और दोस्तों अगर पूछे इसका जो टीका है, इस टीके की खोज किसने की है? लुई पाश्चर। किसने की है? लुई पाश्चर ने दोस्तों इसका जो टीका है उसकी खोज की गई। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है कुष्ठ रोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित नहीं है? अगर आपसे पूछे परजीवी या प्रोटोजोआ जनित कौन सा रोग नहीं है, स्टार लगाना दोस्तों। प्रोटोजोआ से होने वाले पांच रोग आपको ध्यान रखने हैं, और वो पांचों रोग जो है ना, वो है दोस्तों पापा काम पे सोते हैं। लिखना, अगर आपसे पूछे दोस्तों पापा काम पे सोते हैं, अरे भाई साहब बोल मत देना घर पे, वरना है ना सच में प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जो है ना तुम्हें हो जाएंगे, ठीक है? पापा काम पे सोते हैं, पासे दो, पापा से बना दोस्तों पायरिया, क्या बन गया? इससे बन गया पायरिया। का से बना दोस्तों कालाजार, क्या बना? कालाजार। अगर आपसे पूछे मैसे क्या बना? मैसे बना दोस्तों मलेरिया, क्या बना? मलेरिया। पैसे बन गया दोस्तों पैचिस, क्या बन गया? पैचिस। अगला क्वेश्चन दोस्तों सोते से बन गया है निद्रा रोग, क्या बन गया? निद्रा रोग। ये पांचों की पांचों रोग किससे होते हैं? ये होते हैं प्रोटोजोआ। किससे होते हैं? प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाले रोग। तो पापा काम पे सोते हैं, ध्यान रखना, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस और निद्रा रोग, कौन कौन से हैं? तो नोट करो, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस और निद्रा रोग। अब इन पांच में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? पहली बात तो दोस्तों नोट करना, अगर आपसे पूछे मलेरिया है, पायरिया है, पैचिस है, कौन नहीं है? डिप्थीरिया नहीं है। डिप्थीरिया कहां पर होता था दोस्तों? पंडित का टिक न्यू है, उसमें डी का अर्थ क्या था? डिप्थीरिया। तो ये दोस्तों किससे होता है? ये होता है जीवाणु। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वास लेने में दिक्कत आती है, क्या? श्वास लेने में दिक्कत आती है, मतलब श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इसके अंदर
प्रभावित होता है। तो ध्यान रखना, जीवाणु जनित है, श्वास लेने में दिक्कत है, श्वसन तंत्र दोस्तों इससे प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछे निम्नलिखित में से गलत को पहचानिए, चलो चार ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताओ। छह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु जनित रोग है। पहला क्वेश्चन, टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की है। तीसरा ऑप्शन है, डीबीटी टीके में डिप्थीरिया काली खांसी और टीबी रोग का प्रतिरक्षण किया जाता है। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये लक्ष्य 2025 तक का है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बड़ी बारीक इतनी सी गलती का, इतनी सी गलती है दोस्तों, बड़ी बारीक गलती है चारों में से एक ऑप्शन के अंदर। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर छापने वाला है। प्यार से डर लगे तो फिर तो भाई साहब, प्यार से डर लगाना तो फिर तो कौन सा फोबिया होगा, है ना, फिर फोबिया नहीं होगा, फिर दोस्तों हो जाएगा क्या, फिर हो जाएगा बांके बिहारी लाल की जय। लिखो फटाफट, सर आप लाइव हो रहे, लाइव हो रहे नीतू जी, जल्दी बताओ आंसर, कमेंट रुक गए। हाँ भाई साहब एकदम ऑप्शन नंबर बी एकदम गलत आंसर। सुनना, अगर आपसे पूछे टीबी को ही क्या बोलते हैं, क्षय रोग, क्या बोलते हैं, क्षय रोग, इसे ही दोस्तों कहते हैं तपेदिक। क्या कहते हैं, तपेदिक। अगर आपसे पूछे इसे ही हिंदी में कहते हैं राजक्षमा, अरे बहुत सारे नाम है हिंदी में इसके। ट्यूबरक्लोसिस किससे होने वाली बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरिया से होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे दोस्तों, टीबी जो है इसके जीवाणु की खोज किसने की है, रॉबर्ट कोच, किसने की है, रॉबर्ट कोच ने की है। टीबी दिवस कब बनाते हैं दोस्तों, 24 मार्च को बनाते हैं टीबी दिवस, कब बनाते हैं, 24 मार्च को। टीबी हारेगा देश जीतेगा, सन 2025 तक टीबी का दोस्तों उन्मूलन करना है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। और इसी के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष करंट का खतरनाक क्वेश्चन, क्या करंट का दोस्तों खतरनाक क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे स्टॉप टीबी, क्या स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का दोस्तों जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया, मनसुख मंडाविया, किसको बनाया, मनसुख मंडाविया। और अगर आपसे पूछे ये भारत के कौन से मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, कौन से हैं, स्वास्थ्य मंत्री। अब देखिए छह रोग जीवाणु जनित रोग है, एकदम ठीक बात है। टीवी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की, बिल्कुल ठीक बात है। डीपीटी टीके में डिप्थीरिया, ये तो ठीक है, काली खांसी ये भी ठीक है, और टीबी रोग, टीबी नहीं है यहां दोस्तों, इस डीपीटी का अर्थ है, डी का मतलब हुआ डिप्थीरिया, क्या हुआ डिप्थीरिया, पी का मतलब हो गया दोस्तों पर्टुसिस, क्या है पर्टुसिस है, मतलब काली खांसी, और टी का अर्थ है टिटेनस, क्या है टिटेनस, मतलब टी का अर्थ दोस्तों टीबी रोग नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टी का अर्थ क्या है, टी का अर्थ है टिटेनस है। टीबी का जो टीका है ना दोस्तों, वो टीका नोट करना, BCG, बड़ा पेपर में पूछता है भाई साहब, जो BCG है ये किसका टीका है, टीबी का, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस कोलमेट गुरीन, अच्छे से नोट करना, ऐसे की ऐसे ही, बैसिलस कोलमेट गुरीन जो है दोस्तों ये इसके टीके का नाम है। वो आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछता है, क्या फुल फॉर्म पूछता है आपसे, या फिर दोस्तों आपसे ये पूछ सकता है कि ये टीका किसका है। तो ध्यान रखना टीबी जो है इसका टीका है बैसिलस कोलमेट गुरीन। अगला क्वेश्चन, निद्रा रोग का वाहक कौन है, एक तो दोस्तों होता है जिससे रोग होता है, और एक होता है दोस्तों जो रोग के वाहक होता है, मतलब जो उसका दोस्तों लेकर जाता है, एक तो होता है वेक्टर, क्या होता है वेक्टर, और एक होता है दोस्तों
दोस्तों पैथोजन। क्या होता है? पैथोजन। पैथोजन का मतलब दोस्तों रोग का आपके कारक। क्या? रोग कारक है। और अगर से पूछे वेक्टर का अर्थ क्या होता है? वाहक। क्या? वाहक है। तो अगर पूछे आपसे निद्रा रोग का वाहक कौन है, ऑप्शन नंबर एक मादा एनोफिलीज है, ऑप्शन नंबर बी एडिज मच्छर है, ऑप्शन नंबर सी बालू मक्खी है, ऑप्शन नंबर डी सी मक्खी। ये क्वेश्चन सीधा एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन। तो बताइए कौन सा सही आंसर इसमें होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए मादा एनोफिलीज, एडिज मच्छर, बालू मक्खी और दोस्तों सी मच्छर। अब देखिए अगर आपसे पूछे कि ये मादा एनोफिलीज ये किसका वाहक है, ये वाहक है दोस्तों नोट करना आपके मलेरिया। किसका है? मलेरिया। अगर पूछे एडिज मच्छर दोस्तों जो डेंगू है इसका वाहक कौन है? एडिज मच्छर। बालू मक्खी, ये दोनों बड़ा कंफ्यूजन है, बालू मक्खी या दोस्तों सीसी मक्खी। देखिए मेरी बात को, बालू मक्खी, अरे कहते थे ना बचपन में ओ कालिया किसमें मत खेल, मिट्टी में मत खेल। क्या? ओ कालिया मिट्टी में मत खेल। तो ध्यान रखना मिट्टी में मत खेल कालिया। क्या? मिट्टी में मत खेल कालिया, पर कालिया नहीं मानिया। क्या? मिट्टी में मत खेल कालिया, बट दोस्तों कालिया नहीं मानिया। क्या? कालिया नहीं मानिया, फिर होता है कालिया के बुखार। क्या होता है? फिर दोस्तों कालिया के हो जाता है बुखार। इस लाइन को ध्यान रखना, तीन क्वेश्चन है, मिट्टी में मत खेल कालिया, कालिया नहीं मानिया और फिर कालिया के हो गया बुखार। देखिए मिट्टी से बन गया दोस्तों बालू मक्खी। क्या बन गया? बालू मक्खी, जिसे दोस्तों सैंड आपके है ना, बालू का मतलब सैंड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे इससे कौन सा रोग होता है, कालिया से बन गया दोस्तों कालाजार। कौन सा बन गया? कालाजार बन गया कालिया से। और मानिया से क्या बन गया? मानिया से बन गया दोस्तों लिशमानिया। क्या बन गया? लिशमानिया। और इससे बन गया दोस्तों बुखार। क्या बन गया? बुखार। तो अगर आपसे पूछे कालाजार जो रोग है वो दोस्तों इसका वाहक कौन है, तो कालाजार रोग का जो वाहक है वो है दोस्तों बालू मक्खी। कौन है? बालू मक्खी। इस रोग का रोग कारक कौन है? लिशमानिया परजीवी। और भाई साहब इसमें क्या होता है? इसमें होता है बुखार। क्या? बुखार। ये है दोस्तों खतरनाक, लिखना इसका आंसर हो गया सी फ्लाई। कौन सी? सी जो मक्खी है दोस्तों उसके कारण होता है निद्रा रोग। क्या होता है? निद्रा रोग होता है। या दोस्तों आपसे पूछ ले बालू मक्खी के कारण कौन सा रोग है, तो इसके कारण होता है कालाजार। क्या होता है? कालाजार। ये दोस्तों होता है बालू मक्खी के कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काली मौत किस बीमारी को कहते हैं? काला काला दोस्तों चूहा। क्या? काला काला चूहा। ये हुआ दोस्तों चूहा। क्या? ये है हमारा चूहा, गलती से मछली बन गई। क्या? हाँ मान लो ये दोस्तों चूहा है, लिख देता हूं ना, हाँ ये है दोस्तों चूहा। इस चूहे के ऊपर, क्या इस चूहे के ऊपर दोस्तों एक क्या मिलता है? इस चूहे के ऊपर मिलता है एक जीवाणु, इसका नाम है पास्चुरुला पेस्टिज। क्या नाम है? पास्चुरुला पेस्टिज। तो रोग कारक कौन है? रोग कारक तो दोस्तों ये हो गया, और वाहक कौन है? तो वाहक हो गया चूहा। कौन है? चूहा। और इससे कौन सा रोग होता है? इससे होता है दोस्तों प्लेग। क्या होता है? इससे होता है प्लेग। और प्लेग को ही क्या बोलते हैं? काली मौत कहा जाता है। तो ध्यान रखना काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को दोस्तों काली मौत कहते हैं। ये ध्यान रखना चूहा जो है ये इसका रोग वाहक होता है और रोग कारक दोस्तों आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत के द्वारा करंट का क्वेश्चन। क्या? करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के द्वारा विकसित पहली स्वदेशी न्यूमोसिल वैक्सीन किस रोग से संबंधित है? भारत की पहली स्वदेशी निमोनिया की वैक्सीन का नाम है, वो है दोस्तों न्यूमोसिल। सीधा क्वेश्चन पूछेगा जो न्यूमोसिल है, ये न्यूमोसिल दोस्तों ये किसकी पहली स्वदेशी भारतीय वैक्सीन है, तो लिखना दोस्तों न्यूमोनिया। किसकी है? न्यूमोनिया की वैक्सीन है। एक बार दोस्तों आरएएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया ल्यूकोडर्मा का संबंध किससे। क्या? ये आरएएस 2016
16 में पूछा गया ल्यूकोडर्मा। अब देखिए जिसको भी इसमें पता है डर्मा, क्या डर्मा, डर्मा का मतलब होता है दोस्तों स्किन, क्या होता है स्किन, क्या है स्किन, तो वो अपने आप इस सवाल को सही कर लेता। ऐसे दोस्तों न्यूमोसिल को जिसको पता है कि ये किसकी बीमारी है, ये ध्यान रखना निमोनिया की बीमारी है। इतना भयंकर आर्ट्स। हाँ भाई, अब तुम सोचो करंट भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, कभी कभी एनवायरमेंट भी है, तो दोस्तों आर्ट की तो ऐसी तैसी हो जाती है ना। निमोनिया की बात करो दोस्तों, ये जीवाणु जनित रोग है। कैसा है? जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र बोल सकते हैं, या दोस्तों आपसे फेफड़ा भी कह सकते हैं। क्या जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं दोस्तों, ये भी इसमें प्रभावित हो सकते हैं। या फिर ध्यान रखना, मैं आपको सच बता रहा हूं, कोविड 19 में अगर किसी बीमारी ने सबसे अधिक परेशान किया वो है दोस्तों निमोनिया। क्या है? निमोनिया। क्योंकि कोविड 19 में किसकी कमी हुई दोस्तों? कोविड 19 में श्वसन संबंधित बीमारियां हुई, उसमें सबसे पहले क्या हुआ? निमोनिया। और निमोनिया के होने से किसकी कमी हुई? ऑक्सीजन की कमी हुई। तो लिखना दोस्तों, इसी के द्वारा क्या हो गई? ऑक्सीजन की कमी हो गई। जो फेफड़े हैं दोस्तों, इनमें लिक्विड पदार्थ, ये दोस्तों इसमें भर गया। क्या? फेफड़ों में लिक्विड पदार्थ जो है, ये दोस्तों भर गया। श्वसन तंत्र, लंग्स जो है, ये इससे प्रभावित होते हैं। और आपसे पूछ ले, इसकी पहली स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है? वो है दोस्तों न्यूमोसिल। कौन सी है? न्यूमोसिल इसकी पहली स्वदेशी वैक्सीन है। रिकॉर्ड क्लास है भाई। आइए, एक तो दाढ़ी वाले बाबा को समाप्त करो ना, इसको शांति दो ना, जिससे इसको पता लग जाए रिकॉर्ड क्लास नहीं है ना। हाँ, रिकॉर्ड क्लास है, कल से आऊंगा ही नहीं तुम्हारे बीच में लाइव, फिर ठीक है। हाँ, कल से लूंगा ही नहीं क्लास। निमोनिया दोस्तों ध्यान रखना, निमोनिया जो है इससे कौन सा दोस्तों, इसकी आपके दवाई है, इसकी आपके वैक्सीन ध्यान रखना न्यूमोसिल वैक्सीन है। निमोनिया दोस्तों रोग है। और आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछे कि हाल ही में श्वास कार्यक्रम का संबंध, किसका श्वास कार्यक्रम का संबंध किस बीमारी से है, तो बीमारी का नाम लिख लेना न्यूमोनिया। कौन सी है? श्वास कार्यक्रम का संबंध, ये दोस्तों ध्यान रखना निमोनिया से। किससे? निमोनिया से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछे निम्नलिखित में से असुमेलित है, हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहा जाता है, हीमोफीलिया और वर्णांधता रोग से मुख्य रूप से स्त्रियां प्रभावित होती है, वर्णांधता में रंग विभेद की क्षमता कम होती है, हीमोफीलिया में ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे वर्णांधता, पहली बात तो इसकी हिंदी की इंग्लिश भी नोट कर लेना, इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या? कलर ब्लाइंडनेस दोस्तों इसे कहा जाता है। जब आप मेडिकल में जाते हो ना, एसएससी के मेडिकल में जाते हो, या फिर दोस्तों आप मेडिकल में जाते हो, तो ध्यान रखना उस मेडिकल में कलर ब्लाइंडनेस जो है ना, इसे भी दोस्तों चेक किया जाता है ना, कलर ब्लाइंडनेस इसे चेक करते हैं मेडिकल के अंदर। अगर आपसे पूछे असुमेलित है, बताओ इसका आंसर क्या है? ए बी सी डी, फटाफट से छाप दो, जल्दी जल्दी छापो, जल्दी जल्दी छापो ए बी सी डी। और अब है ना, ध्यान रखना राजू डी, जो भी बोले ना कि रिकॉर्ड क्लास है, तुरंत उसको फिर रिकॉर्डिंग देखने दो बाद में ना। हाँ, ए बी सी डी, ए बी सी डी, जल्दी बताओ रे। अरे झोला छाप डॉक्टर हो, बताओ। चलो ठीक है, हीमोफीलिया। देखिए दो रोग मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये दोनों के दोनों आनुवांशिक रोग हैं, इसीलिए मैंने दोनों का एक सवाल बनाया। हीमोफीलिया, देखिए हीमोफीलिया जो है दोस्तों, इसे कहते हैं शाही रोग। क्या बोलते हैं? शाही रोग। क्योंकि दोस्तों जो ब्रिटेन की जो महारानी थी ना,
उनको सबसे पहली बार ये रोग हुआ, इसीलिए शाही रोग कहा जाता है। ये लिख लेना, ब्रिटेन की महारानी को सबसे पहले हुआ, इसीलिए शाही रोग कहते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है, इसमें दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमता, क्या रक्त का थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, क्या ब्लड जो क्लोटिंग है दोस्तों, ये ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। मतलब दोस्तों मैंने यहां पर काटा, क्या मैंने यहां पर ऐसे काटा दोस्तों, और जो खून है वो लगातार बह रहा है, ये खून रुकेगा नहीं, क्या ये खून बंद नहीं होगा। मतलब दोस्तों कौन सा रोग हो गया, हीमोफीलिया, क्या ये ध्यान रखना। अरे तुम बताओ यार, वाहक कौन होगा और प्रभावित कौन होगा, कौन होगा? अरे दोस्तों पुरुष जो है कौन, ये भी कोई सोचने वाली बात है क्या दोस्तों, कौन प्रभावित होगा रोग से, प्रभावित होगा पुरुष, कौन होगा पुरुष है। ये दोस्तों हर जगह प्रताड़ित है, प्रभावित ही है ना। और अगर आपसे पूछे ये दोस्तों वाहक कौन होगी, तो वाहक होगी इसमें स्त्री, कौन होगी स्त्री, या जो महिला है वो दोस्तों इसमें वाहक होगी। और प्रभावित कौन होगा इसमें दोस्तों, जो पुरुष है वो इसमें प्रभावित होगा। तो ध्यान रखना पुरुष प्रभावित दोस्तों, वाहक ध्यान रखना वाहक कौन है, वाहक है दोस्तों इसमें स्त्री। अब सुनिए, हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है, सही आंसर है। हीमोफीलिया और वर्णांतर रोग से मुख्य रूप से स्त्रियां प्रभावित होती हैं, नहीं दोस्तों मुख्य रूप से पुरुष बेचारा ही, क्या बेचारा पुरुष ही दोस्तों प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, वर्णांधता में रंग विभेद की क्षमता कम होती है। मैंने आपसे कहा कि मेडिकल में चेक होता है दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस, इसमें जो हरा और लाल रंग है इसमें दोस्तों विभेद करने की जो क्षमता है वो समाप्त होती है, किसमें कलर ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन आराम से पढ़ना रे बाबा, नाइट ब्लाइंडनेस रंतोदी, कौन है रंतोदी विटामिन ए। कलर ब्लाइंडनेस दोस्तों ये ध्यान रखना, हरा और लाल रंग में विभेद नहीं कर पाना, पुरुष इससे प्रभावित होगा, महिला दोस्तों इसकी वाहक होगी, अगली पीढ़ी में लेके जाएगी। मतलब दोस्तों ये दोनों की दोनों रोग कैसे हैं, आनुवांशिक जेनेटिक, कौन से रोग हैं, आनुवांशिक या फिर जेनेटिक डिजीज हैं ये दोनों की दोनों रोग, कौन कौन से, हीमोफीलिया और दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस आपके वर्णांतर। हीमोफीलिया में ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है, ये भी ठीक है, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से कौन सा रोग होता है। अगर आपसे पूछे हाल ही में दोस्तों ये क्वेश्चन रीट के अंदर, किसमें रीट में पूछा गया क्वेश्चन था आपसे, 21वें गुणसूत्र, कौन सा 21वें गुणसूत्र का क्वेश्चन आया रीट में, मैंने पूछा 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से कौन सा रोग होता है, तो बताओ डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, पटाऊ सिंड्रोम और इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने चार ऑप्शन है ए बी सी डी। देखिए अगर आपसे पूछे 13वां गुणसूत्र, तो लिखना 13 को पटाऊ, क्या 13 को पटाऊ, तो लिखना दोस्तों 13 को पटाऊ, तो लिखना दोस्तों 13 को पटाऊ। अभी मैं साइंस पढ़ रहा हूं, क्या साइंस पढ़ रहा हूं, सिलेक्शन लूंगा फिर 13 को पटाऊ, तो देख लो 13 को पटाऊ से लिख लो, ये हो गया पटाऊ सिंड्रोम, क्या पटाऊ सिंड्रोम। ये झोला छाप ट्रिक है दोस्तों, है ना, हाँ झोला छाप ट्रिक है। ये 13 हो गया 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी, क्या 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी, इससे दोस्तों कौन सा रोग होता है, इससे होता है ध्यान रखना पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा होता है, पटाऊ सिंड्रोम का मतलब होता है रोगों का समूह, क्या ये भी नोट कर लेना, सिंड्रोम कोई रोग नहीं है, सिंड्रोम कोई रोग नहीं है दोस्तों, ये बहुत सारे रोगों का एक समूह है, क्या है समूह, जैसे दोस्तों एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसमें दस्त लगते हैं, इसमें बाल उड़ जाते हैं, ये दोस्तों रोगों का समूह है एड्स। ऐसे दोस्तों पटाऊ, डाउन का क्या हो गया, तो डाउन सर हाँ मैं फिर कह रहा हूं घर पर इस ट्रिक को ट्राई मत करना ना, 13 को पटाऊ, ठीक है मत करना, ठीक है, वरना पता लगा जो भी है वो भी दोस्तों वाहक हो गई, क्या
हाँ वो भी मक्खी बन के उड़ गई। डाउन दोस्तों ध्यान रखना, डाउन का उल्टा करो, डी का उल्टा किया दो हो गया, एक को नीचे उतार दो, क्या एक को नीचे उतार दो तो 21वें गुणसूत्र किसकी, 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से दोस्तों कौन सा होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से पटाऊ सिंड्रोम है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ओडेंटोलॉजी कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। देखिए साइंस में दोस्तों ध्यान रखना, ऑस्टियो जो शब्द है इसका अर्थ होता है बोन, क्या होता है, इसका अर्थ है हड्डी। अगर आपसे पूछे ऑस्टियो के बाद में ओडेंटो, क्या दोस्तों, जो ओडेंटो है इस डेंटो का अर्थ है दांत, क्या है, इसका अर्थ होता है दोस्तों दांत। अगर आपसे पूछे ओनको, ये ओनको दोस्तों क्या था, एक माउस था, क्या था, माउस था, चूहा था, जिसके ऊपर सबसे पहली बार दोस्तों इस कैंसर की रिसर्च की, क्या की, कैंसर की रिसर्च की। और ध्यान रखना लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, क्या होता है, लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हड्डियों का अध्ययन तो यह कहलाएगा ऑस्टियोलॉजी, अगर आपसे पूछूं दांतों का अध्ययन तो यह कहलाएगा ओडेंटोलॉजी, अगर मैं आपसे पूछूं कैंसर का अध्ययन तो यह कहलाएगा ऑन्कोलॉजी। एनाटॉमी दोस्तों लिखना, शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन, तो अगर आपसे पूछे शरीर के आंतरिक जो अंग हैं, क्या जो आंतरिक अंग हैं, इनका जो अध्ययन है ये दोस्तों कहलाता है आपके एनाटॉमी, क्या एनाटॉमी। ऐसे दोस्तों जो पक्षियां हैं उन्हें कहते हैं ऑर्निथो, क्या ऑर्निथो, तो पक्षियों का अध्ययन दोस्तों ये कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, क्या ऑर्निथोलॉजी। जैसे दोस्तों हिपैट, क्या हिपैट, हिपैट का अर्थ क्या होता है, हिपैट का अर्थ दोस्तों साइंस में होता है लीवर, क्या है, लीवर, क्या है। अगर आपसे पूछ ले कि जो हिपैट है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है लीवर, तो लीवर का अध्ययन क्या कहलाएगा, हिपैटोलॉजी, क्या हिपैटोलॉजी, लीवर का अध्ययन। अगर आपसे पूछे दोस्तों ऑर्निथोलॉजी, क्या ऑर्निथोलॉजी, तो ये ध्यान रखना ये कहलाएगा पक्षियों का अध्ययन, किसका, पक्षियों का अध्ययन दोस्तों ये कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसके द्वारा मलेरिया परजीवी से मलेरिया होने की पुष्टि की गई, बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है, आपने जब क्लास 9th 10th में दोस्तों आपने इंग्लिश की बुक पढ़ी होगी ना, वैसे तो आपने नहीं पढ़ी है फिर भी दोस्तों उसमें इंग्लिश की बुक में एक चैप्टर आता था, उसका नाम था रोनाल्ड रोस, किसका था, रोनाल्ड रोस का चैप्टर था दोस्तों। और कैसे याद करोगे, रिया का काम क्या है, रिया का काम है रोना, क्या, हाँ, रिया का काम क्या है, रिया का काम है दोस्तों रोना, क्या रिया का काम है रोना, तो रिया से क्या बन गया, रोना बन गया, तो रोना दोस्तों कहाँ है, ये रोनाल्ड है, क्या है, रोनाल्ड, तो ये है दोस्तों रोनाल्ड रोस, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही आंसर है। मलेरिया जो है नोट करना दोस्तों, ये प्लाज्मोडियम परजीवी किससे होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है इससे होने वाला रोग कौन सा है, वो है दोस्तों मलेरिया। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, लिखना आरबीसी या दोस्तों प्लीहा या स्प्लीन, क्या आरबीसी, प्लीहा या स्प्लीन जो है ये दोस्तों प्रभावित होता है मलेरिया में। अगर आपसे पूछे कि मलेरिया के परजीवी से मलेरिया की जो पुष्टि है, ये दोस्तों ध्यान रखना ये रोनाल्ड रोस ने की, किसने की, रोनाल्ड रोस ने की। और मलेरिया दिवस मनाते हैं 25 अप्रैल के दिन, और सन 2030 तक मलेरिया का दोस्तों उन्मूलन कर दिया जाएगा। और अगर आपसे पूछे मलेरिया की दवा कौन सी है, तो इसकी दवा है दोस्तों कुनेन, कौन सी है, कुनेन जो है वो इसकी दवा है। और कुनेन किससे प्राप्त होता है, सिनकोना के जो वृक्ष की जो छाल है इससे प्राप्त होता है कुनेन। बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों, सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, अगर पूछे आरबीसी
ही प्लिया स्प्लीन प्रभावित होता है। रोनाल्ड रोज ध्यान रखिएगा, 25 अप्रैल ध्यान रखिएगा, 2030 मलेरिया उन्मूलन है, कुनेन इसकी दवा है, सिनकोना का दोस्तों वृक्ष की छाल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोनाल्ड रोज। लुई पाश्चर, अरे याद करो लुई पाश्चर दोस्तों, लुई पाश्चर कैसे याद करोगे? देखो लुई पाश्चर में दोस्तों इसको मैंने उठाया लूपा, किसको? लूपा, और लूपा का मैंने उल्टा किया पालू। क्या पालू? कुत्ता पालू। क्या पालू? कुत्ता पालू। और कुत्ता पालोगे कौन सा रोग होगा? रैबीज। कौन सा होगा? रैबीज। तो ध्यान रखना, रैबीज का टीका किसने खोजा है? ये खोजा दोस्तों लुई पाश्चर ने। किसने? लुई पाश्चर ने। अगर आपसे पूछे कोच कहां आता है, कोच आता है दोस्तों टीबी में। कहां आता है? टीबी में। तो ध्यान रखिएगा रॉबर्ट कोच, ये दोस्तों ध्यान रखना टीबी से संबंधित कौन है? रॉबर्ट कोच संबंधित हैं। और अगर आपसे पूछे जीवित कोशिका की खोज किसने की है, वो की दोस्तों ल्यूवेन हो। किसकी? जीवित कोशिका की खोज ये दोस्तों किसके द्वारा की गई? ल्यूवेन हो के द्वारा की गई। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 में कहां पर बोटुलिज्म बीमारी के कारण पक्षियों की बड़ी संख्या में मौत हो गई? ये बड़ा अच्छा सवाल है, करंट का भी है, साइंस का भी है दोस्तों, कि बोटुलिज्म जो बीमारी है इसके कारण पक्षियों की जो बड़ी संख्या में मौत हुई थी वो कहां पर हुई? देखिए बोटुलिज्म जो है, पहली बात तो दोस्तों इसको कहते हैं फूड पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग भी इसे दोस्तों कहा जाता है, खाद्य विषाक्तता। क्या? अगर आपसे हिंदी में पूछे तो खाद्य विषाक्तता दोस्तों ये भी कहते हैं, या फिर दोस्तों आपसे कह सकते हैं जहरीला मांस खाने से। क्या? जहरीला मांस खाने से जो विदेशी पक्षी थे दोस्तों उनमें कौन सी बीमारी हो गई? बोटुलिज्म बीमारी। और इसी के कारण दोस्तों सामर झील, कहां पर? सामर झील में दोस्तों बड़ी संख्या में विदेशी पक्षियों की मौत हुई थी। तो बोटुलिज्म, जहरीला मांस खाना, या दोस्तों खाद्य विषाक्तता, या फिर आपसे पूछे फूड पॉइजनिंग, सबके सब दोस्तों सही है। तो आंसर हो गया इसका सांवर झील। चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, आपसे सांवर झील पूछे जयपुर में, लोकटक झील दोस्तों मणिपुर के अंदर है, और आपसे पूछे बुलर झील जो है, ये ध्यान रखना दोस्तों आपके बुलर झील जम्मू कश्मीर के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ आज का दोस्तों जो खेला था वो आपका इतना ही था, जितने भी सवाल आपके सामने थे मुझे लगा कि अच्छे सवाल है आपके सामने, और जितना मुझे आता है, देखिए मैं साइंस का टीचर नहीं हूँ, है ना, हाँ साइंस का टीचर नहीं हूँ, साइंस का स्टूडेंट जरूर हूँ, है ना, साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आता है साइंस को पढ़ाने में, ना मतलब इसमें ऐसी जुगाड़ू ट्रिक होती है ना, और इंजीनियर का दूसरा नाम भी दोस्तों जुगाड़ होता है। क्या? जुगाड़, वो जुगाड़ ही करता है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, जिनका भी एग्जाम है देख लीजिए डेट आ चुकी है, संगणक की डेट दोस्तों 19 दिसंबर आई है, और ध्यान रखना BDO ग्राम विकास अधिकारी तुम्हारी डेट है 27 और 28 दिसंबर है, तो तैयार रहना दोनों की दोनों। देखो यूपी के अंदर SI की डेट, यूपी के अंदर लेखपाल, इसके साथ में दोस्तों आपके राजस्थान में BDO पटवार है, SSC GD है दोस्तों, MTS का एग्जाम है, यूपी सुपर टेट का एग्जाम है, इतने सारे एग्जाम, BPSC का एग्जाम है, जम के पढ़ लो। क्या? जम के पढ़ लो दोस्तों, ये टॉपिक है ना हर जगह छपने वाला है, हर जगह पेपर में आएगा ये टॉपिक, है ना, हर जगह पेपर में आएगा, तो जम के पढ़ो। कलर ब्लाइंडनेस किससे होता है? अरे आनुवांशिक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। क्या? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, आनुवांशिक है ना, जेनेटिक है, हेरिटेज है ना, जेनेटिक है, ठीक है। तो कल सुबह तैयार रहना, जिसको भी करंट अफेयर्स का रिवीजन मेरे साथ करना है वो सुबह 6 बजे, 15 दिन की स्पेशल दोस्तों क्लास चल रही है, 15 दिन, उसमें पहला दिन आज हो चुका है, 15 दिन में मैं पिछला जो 8 महीने की जो करंट है उसे आपको अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में रिवाइज कराऊंगा। खुश रहना, मस्त रहना, SSC वालों यहीं पढ़ लो यार,
मतलब इतना टाइम नहीं होता कि मैं एसएससी वाले चैनल पर आ जाऊं फिर मैं यूपी वाले पर आ जाऊं, तो यहाँ पढ़ लिया करो। आप ये मान लो एसएससी पे चल रही क्लास है ना, हाँ यूपी वाले मान ले कि यूपी पे चल रही है, ठीक है, हाँ एक जगह पढ़ लो मेरे से, है ना। हाँ चलो खुश रहना, मुझे उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी आपको। जितना मुझे आता था मैंने उतना आपको पढ़ा दिया, जिस हिसाब से मैंने पढ़ा था उस हिसाब से आपको पढ़ा दिया। बस आप हंसते हुए रहना, खुश रहना, सुबह 6 बजे मिलेंगे अपनी प्यारी सी क्लास में, अपने परिवार में, फूल पत्ती वाले परिवार में। जिसने अभी तक उत्कर्ष का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, आपके लिए ये नोटिफिकेशन आएगा आपके पास में और आप और मैं ऐसे ही जुड़े रहेंगे, ठीक है, तो कर लेना ना। सर शादी करवा दो, शादी करवा दो, काश शादी के लिए भी कोई सीरीज चला पाता मैं, और सीरीज चलाते शादी हो जाती तुम्हारी, मैं अभी चला देता आज ही, है ना। पढ़ लो शादी अपने आप हो जाएगी, पढ़ लो, रिश्तेदार भी तुम्हारे, रिश्ते भी तुम्हारे, शादी भी तुम्हारी, नागिन डांस भी तुम्हारा, डीजे भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा ही तुम्हारा है। पढ़ लो, सिलेक्शन लो, और बाधाएं है कौरव दल से सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर उठाओ गांडी और इसकी खोपड़ी में छेद करो। जय हिंद, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ।